अप्यायन्तो ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मने निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः 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 हम लोग छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय पंचम खंड के ऊपर विचार प्रारंभ किया। अनेक पुत्र फल रूपी दृष्ट फल की प्राप्ति के लिए अक्षर ओमकार में उपासना भेद दृष्टि करके अध्यात्म उपासना भी है और अधिदेव उपासना भी है। आदित्य और रश्मि में भेद दृष्टि करके ओमकार में उपासना और आगे अध्यात्म उपासना बताएंगे। हाँ हाँ जी, थोड़ा सा बंद कराना पड़ेगा, कोई एक आदमी जाइए। हाँ जी, बोलना 5 बजे तक, थोड़ा चाय पानी पी लो। ज्यादा आवाज होती ना। हाँ बोलिए। हाँ भाई, निंदा है उपासना, उपासना निंदा हो रही है क्योंकि दोनों को पहले एक मान कर किया ना। हाँ, अभेद दृष्टि से किया कि नहीं? आदित्य और रश्मि एक ही है, अब क्या कह रहे हैं? भेद दृष्टि से बताएंगे भेद। हाँ, अवैध दृष्टि से उपासना थी ना पहले, हाँ उसकी निंदा कर रहे हैं क्योंकि अवैध दृष्टि से उपासना किया तो एक पुत्र हुआ। है क्या हुआ भाई? हाँ जी, है पांच बजे तक। अच्छा, कैसे होगा फिर? काम करके बैठना पड़ेगा। कैसे आवाज होगी तुमको?
वो ज्यादा आवाज हो रही ना। हाँ जी, पिलर। चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। प्रथम मंत्र हो गया। हाँ, अब द्वितीय मंत्र देखो नर, नहीं तो ऑनलाइन में जो सुन रहे हैं तो क्या हो रहा है बोलेंगे। हाँ, या इसमें आवाज नहीं जाएगी, यही तो कह रहा हूं मैं। तो सोचेंगे ना लोग क्या हो रहा है आश्रम में, है ना। हाँ भाई, काम चल रहा है। द्वितीय मंत्र देखिए। आदित्य दृष्ट्या उद्गीतम उपदिष्टम, है उद्गीत में उद्गीत ओमकार, उद्गीत ओमकार में आदित्य दृष्टि से उपासना। ओहो, तो आदित्य दृष्टि से उद्गीत ओंकार में उपासना बताइए, उपदिष्टम। ठीक है, तो ये जो उपासना बताइए, अनुद्य अनुवाद करके, अनुद्य का तो अनुवाद करके, निंदते उसका निंदा करते, है ना, ये मंत्र का ये अभिप्राय है। देखिए, एतमो एवा अहम् अभ्यगाशिषम्, तस्मान् मम तम एको असीति, ह कौशितकी पुत्रम उवाच। रश्मिस्तम पर्यावर्तयाद बहवो वैते भविष्यन्ति इत्यधिदेवतम्। अच्छा, किसी के पुस्तक में मूल मंत्र में तम एतम है क्या, है कि केवल एतम है? क्योंकि जो आनंद गिरी में लिखा है ना, तमेतम दिया है ना, और भाषा में भी क्या दिया है, तमेतम दिया है ना। ये लगता है कि मूल मंत्र में कहीं तमेतम होना चाहिए, और कोई प्रकाशन हो तो उसमें देखना चाहिए मूल मंत्र में क्या है, एतमु है कि तमेतम है, एतमु है। क्योंकि दोनों में दिया है ना प्रतीक के रूप से, तमेतम दिया है आनंदगिरी में, और भाषा में भी क्या दिया है, तमेतम दिया है। यदि केवल एतमु होता मूल मंत्र में तो भाष्यकार क्या लिखते, एतमु लिखते ना, है कि नहीं। इसलिए और कोई पुस्तक हो तो देखेंगे हम, केवल एतमु है कि तमे तुम है, ये देखना चाहिए। अच्छा देखो, वही जो आदित्य दृष्टि से उपासना बताई, एतमल आदित्यम, उकारत एव, उकारत एव, है ना। तो कहते हैं कि जो है एव अहम अभ्यगाशिषम, मैं जो है ना, हाँ, अभिमुख होकर के गान किया, मतलब ध्यान किया, मतलब आदित्य और रश्मि में अभेद, आदित्य और रश्मि में अभेद, अभेद मान करके ओमकार में मैंने क्या किया, गान किया, मतलब क्या, उपासना किया। अभ्यगाशिषम उत्तम पुरुष है, वो पुत्र बोल, पुत्र को बोल रहे हैं पिताजी, कौन आगे कोशिति की बोल रहे हैं ना। इसलिए क्या हुआ, ऐसी उपासना करने से, तस्मान मतलब ऐसी उपासना से, मम त्वम एको असीति, इसलिए तुम अकेले हो पुत्र, बस तुम अकेले पुत्र के रूप से मुझे प्राप्त हुआ, तुम एक ही हो। तो किसे कहा ये, कौशित की ही, कौशति की है,
कुशित का अपत्य कोशते कि उसने पुत्र मुवाच अपने पुत्र से कहा। ये दृष्टपल हो गए नारायण, आदित्य और रश्मि में अभेद, ठीक है ना। हाँ, आदित्य रश्मि एक ही है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं। हाँ, ऐसा मान करके उपासना ओमकार में किए, इसलिए दृष्टपल क्या होगा, एक ही पुत्र की प्राप्ति, एक ही पुत्र की प्राप्ति हुई है। और एक ही पुत्र की प्राप्ति भैया एक दुख है, ये हमेशा भय रहता है ना। एक ही पुत्र है और केदारनाथ गया है, लौटेगा नहीं लौटेगा, बड़े शंका रहते कि नहीं, बहुत भय रहता है। अरे अनेक पुत्र है तो उतना भय नहीं रहता है, भय तो रहता है, ज्ञान के बिना तो भय जाएगा नहीं, लेकिन उतना भय नहीं रहता है। पुत्र उवाच, इसलिए क्या करो, रश्मिस्तम पर्यावर्तया, इसलिए रश्मि और आदित्य में भेद, रश्मि और आदित्य में भेद, पर्यावर्तया मतलब तुम चिंतन करो, ध्यान करो, है ना। आदित्य और रश्मि में अभेद है, ऐसे आदित्य रश्मि में अभेद नहीं, भेद, आदित्य रश्मि में भेद है, ऐसे आदित्य की उपासना ओमकार में करो। समझ में कि नहीं? हाँ, ऐसा कह रहे। इसे क्या होगा दृष्टफल, बहवो वैते भविष्यन्ति, तुम्हारे बहुत पुत्र होंगे, दृष्टफल हो गया। इति अधिदेवतम, देवता संबंधी उपासना हुई, देवता संबंधी आदित्य है, इसलिए आदित्य की उपासना ओंकार में होती है। और आदित्य में क्या है, भेद है, किसका किसके साथ है, रश्मि और आदित्य में भेद, रश्मि प्रकाश किरण ये कह रहा है। देखो नारायण, तमेतमु एव अहम अभ्यगाशिषम, अभ्यगाशिषम का अर्थ कर अभिमुखेन गीतवान अस्मि, इसलिए अभिमुख होकर के मतलब तत्पर होकर के मैंने गान किया, मतलब उपासना किया, गान करते यहाँ पर उपासना है। तो किस दृष्टि से, देखो लिखे आ रहा, आदित्य रश्मि अभेदम कृत्वा, ये बोलते हैं। देखो आदित्य और रश्मि में अभेद मान करके, अभेदम कृत्वा ध्यानम कृतवान अस्मि, मैं ध्यान किया, ये किसका अर्थ हुआ, अभेगा शिषम का अर्थ हुआ, है ना। अच्छा, यतः ना तस्मात् कारणात्, इस कारण से जो है, मम त्वम एकोऽसि पुत्र, इसलिए तुम मुझे एक पुत्र के रूप से प्राप्त हो, एक पुत्र हो गया। हाजी, हाँ निंदा हो गई ना, हाँ बहन, फल फल का कथन करके निंदा करना पड़ता है ना, ऐसा होता है। इतिहा कौशत की, कौशत की वसति के कौन, कुशी तकस्य अपत्यम कौशितक ही, कुशितक है, कुशितक, कुशितक का अपत्य हो गया कौशितक ही। उसने उपदेश किया, पुत्रम उवाच उक्तवान, अपने पुत्र को उपदेश किया, पुत्र है, शिष्य है, उसको तो उपदेश करना पड़ता है ना, कि ना पुत्राय ना शिष्याय च मतिम दद्यत्, जो पुत्र ना हो शिष्य ना हो, ठीक है, उसको उपदेश नहीं करना चाहिए, ना पुत्राय ना शिष्याय च मतिम दद्यत्। अब पुत्र कहने से नाम मात्र पुत्र नहीं, पुत्र में पुत्रत्व भी हो, शिष्य में शिष्यत्व भी हो। अतो इसलिए जो है, थोड़े टीका ले लो, निंदा फलम दर्शयति अतः, तो निंदा क्यों करते, निंदा का फल होता है ना, इसलिए अतो निंदा करते, निंदा का तात्पर्य है निंद्य में नहीं, निंदा का तात्पर्य निंद्य में नहीं होता है, ठीक है ना,
और कोई साधन में प्रवृत्त कराने के लिए निंदा की जाती है, नहीं हाँ। नहीं निंदयाः निंदितुम निंद्यम अपितु विधेयम स्तोतु, ये सिद्धांत है। निंदा का तात्पर्य निंदा में नहीं होती है, अपितु कहाँ पर, किसी साधन में लगाने के लिए निंदा की जाती है। जो साधन नहीं है, है कि नहीं, उसे हटा करके साधन में प्रवृत्त कराना, इसलिए निंदा की जाती है ना। इस बार खंडन करते हो, जैसे द्वैत का खंडन करते हो अद्वैत में लगाने के लिए, अद्वैत का ज्ञान में। इस बेकार जो है द्वैत भक्ति में लगाना है, कर्म में प्रवृत्त करना है, कराना है। इसलिए भक्ति सिद्धांत के आचार्य लोग किसका खंडन करते हैं, अद्वैत का खंडन करते हैं। इसका मतलब अद्वैत का ज्ञान नहीं, अद्वैत का ज्ञान होने पर भी भक्ति में प्रवृत्त कराने के लिए अद्वैत सिद्धांत का खंडन किया जाता है। विशिष्ट अद्वैत देखो, वहां पर खंडन है अद्वैत का। ये होता है। अतः रश्मिन आदित्यम च भेदेन, रश्मि है आदित्य की, और आदित्य और रश्मि में क्या चिन्ह करना है, भेदेन त्वम, भेद से त्वम पर्यावर्तया, मतलब पर्यावर्तय इति, तुम ध्यान करो, भेद दृष्टि से ध्यान करो। अच्छा देखो आगे लिख रहे ना, त्वम योगात, क्योंकि मंत्र में आया पर्यावर्तया, उसका अर्थ भगवान भाष्यकार ने कर दिया पर्यावर्तय, है कि नहीं। तो पर्यावर्तयाद है प्रथम पुरुष, और उत्तम मध्यम पुरुष में कर रहे हैं कि पर्यावर्तय, है कि नहीं। ऐसा क्यों अर्थ किया, ये शंका लिखते हैं। देखो पहले पर्यावर्तयाद इति प्रथमे पुरुषे सृजमाणे, ये व्याकरण की बात चल रही है। पर्यावर्तयाद ये हो गया प्रथम पुरुष का शब्द है, ठीक है। हाँ हाँ, और जो है भगवान भाष्यकार ने क्या बोल दिया, पर्यावर्तय अर्थ कर दिया मध्यम पुरुष का, है ना। इसलिए पुरुष में परिवर्तन क्यों किया, किमिति मध्यम पुरुष व्याख्या जाते, मध्यम पुरुष के रूप से व्याख्यान कैसे किया, किस शब्द से, पर्यावर्तय ऐसा शब्द से किया। इसका उत्तर देते हैं त्वम योगाद, क्योंकि पर्यावर्तयाद हो गया क्रियापद, और उसका कर्ता कौन, त्वम, और त्वम के योग में युष्मत पुरुष के योग में मध्यम पुरुष होता है, युष्मत के योग में मध्यम पुरुष होता है ना, युष्मत उपपदे समानाधिकरण क्या है, थानिन्यपि मध्यम, लघु सिद्धांत कुमुदि में सूत्र है ना, इधर लिखते हैं टीकाकार स्पष्ट कर दिया, युष्मदि उपपदे, है ना, युष्मत रूपों को, युष्मत शब्द का रूप यदि पास में हो कि नहीं, पास में हो या ना हो, ठीक है, युष्मत शब्द का प्रयोग किया हो अथवा प्रयोग नहीं किया हो तब भी क्या होता है, मध्यम पुरुष हो जाता है। जैसे कह दिया जो है विद्यालयम गच्छ, त्वम शब्द का प्रयोग है नहीं है, अत्वम विद्यालयम गच्छ तब भी हो जाता है, तब भी हो जाता है, युष्मत शब्द का प्रयोग हुआ हो अथवा प्रयोग न हुआ हो, लकार का जो अर्थ होगा युष्मत का भी अर्थ यदि वही हो जाए तो मध्यम पुरुष हो जाता है, ठीक है। जैसे कह दिया गच्छ बोल दिया, वहाँ पर लकार का अर्थ है कर्ता, और युष्मत जो है, युष्मत का जो है शब्द है त्वम, वो भी कर्ता कारक में हो गया, इसलिए जो है मध्यम पुरुष होता, इसलिए बोलते हैं यहाँ पर त्वम शब्द का प्रयोग होने से मध्यम पुरुष विधान, मध्यम पुरुष का विधान हो गया, इसलिए यहाँ पर पर्यावर्तय कर दिया, मतलब तुम चिंतन करो ध्यान करो।
एवं थोड़ी टीका ले लो, रश्मि भेद गुणादृष्टि विशिष्ट उद्गीत उपासनस्य फलम कथयति। रश्मि और आदित्य में क्या है, भेद है, रश्मि और आदित्य में भेद, तो भेद हो गया गुणा, भेद हो गया गुणा, भेद कहाँ पर है, हाँ रश्मि और आदित्य में, आदित्य का भेद रश्मि में है, रश्मि का भेद आदित्य में, ठीक है नारायण, क्योंकि धर्म धर्म भाव हो गया ना, रश्मि हो गया धर्म, धर्मी हो गया आदित्य, जहाँ पर धर्मा धर्मी भाव होता है वहाँ पर भेद तो रहता ही है, समझ में ना, जहाँ पर कोई धर्म धर्मी भाव नहीं है वहाँ पर भेद नहीं होगा, समझ में ना, जैसे कहते आत्मा और चैतन्य, आत्मा और चैतन्य में भेद नहीं होता है ना, ना चैतन्य धर्म है ना आत्मा धर्म है, चैतन्य तो आत्मा का स्वरूप है, इसलिए अत्यंत अवेद में धर्म धर्मी भाव नहीं होता है, तो रश्मि हो गया धर्म और आदित्य हो गया क्या धर्म में, इसलिए भेद तो रहेगा, ये अभिप्राय। रश्मि भेद गुण गुण दृष्टि, रश्मि और आदित्य में भेद है, इस गुण से यहाँ पर है उद्गीत उपासना, रश्मि भेद गुण वाले कौन आदित्य हो गया, उस आदित्य की दृष्टि उद्गीत में है, ऐसी उपासना का फल क्या होगा, फलम कथयति एवं बहवो वैते तव पुत्रा भविष्यन्ति, इसलिए जो है ना तुम्हारे बहुत पुत्र हो जाएंगे, तो ये हो गया फल, इति अधिदेवतम, ये अधिदेवत उपासना है, उपसंहार देखो, तो अधिदेवतम क्यों कह रहे हो, कुल इतना बोल देते बहवो वैते भविष्यन्ति, तुम्हारे बहुत पुत्र हो जाएंगे ऐसी उपासना करोगे, तो अधिदेवतम क्यों कह रहे हैं, विशेषण उपासन का विशेषण है अधिदेवतम। टीकाकार लिखते हैं बक्षमाणे अध्यात्मे, क्योंकि आगे अध्यात्म उपासना कहेंगे अगले मंत्र में, है ना, अगले खंड में, बक्षमाणे अध्यात्मे, अध्यात्म उपासना कही जाएगी अगले मंत्र में, अगले खंड में, अगले मंत्र में, इसीलिए अध्यात्म उपासना में बुद्धि लग जाए, बुद्धि समाधानार्थम उक्तम देवता विषयम दर्शनम, ये जो उपासना है देवता विषय हो गया ना, देवताओं में आदित्य है, फिर आदित्य की दृष्टि से ओंकार है, इसलिए कह दिया इति अधिदेवतम, अधिदेवत उपासना है। अब जो है अध्यात्म उपासना है, अध्यात्म प्राण दृष्टिया आत्मनि इति अध्यात्म, शरीर आत्मा का तो शरीर, शरीर संबंधी कौन है, प्राण है, इसलिए प्राण दृष्टिया उद्गीत उपास्ते मुक्तम, और प्राण के दृष्टि से उद्गीत ओंकार की उपासना ये पहले बतलाई थी, है ना, उसका अनुवाद पहले करते अनुवदती अथ इत्यादि ना देखो अथाध्यात्मम यैवायं मुख्यः प्राणः ताम उद्गीतम उपासीत ओमिति हेस शरणेति। अथवा अनंतर अधिदेवत उपासना कथन के अनंतर भाष्य में आ गया अथ अनंतरम अध्यात्म उच्यते, उच्यते का अध्याय कर लीजिएगा। तो अधिदेवत उपासना कहने के अनंतर अध्यात्म उच्यते य एव अयम मुख्य प्राण, ये शरीर में जो मुख्य प्राण है ना उसकी उपासना है, देखो तम उद्गीतम उपासित, उसकी उपासना करो उद्गीत की दृष्टि से। तो
वो कौन है उद्गीत? ओम, देखो ओम है वो ओमकार, ओम इति एष स्वरण एति, ये जो प्राण है ओमकारी है, वो प्राण जो है उसकी दृष्टि ओमकार उद्गीत में कैसे करेंगे? बोलते हैं स्वरण एति, जैसे आदित्य में कहा ना, देखो आदित्य जैसे प्रजाओं की प्रवृत्ति के लिए अनुज्ञान देते हुए जाता है, इसी प्रकार यहाँ पर भी बागादि जो इंद्रियां है उसकी प्रवृत्ति के लिए अनुज्ञा करता हुआ प्राण का संचार हो रहा है, प्राण जाता है, चलता है कि नहीं? इसलिए प्राण को कह दिया ओम, व्यवहार पर कहते ना ओम कह करके अनुज्ञा देते हैं, अनुमति देते हैं। इसी प्रकार ऐसा जैसा लगता है, जैसे प्राण सही बागादि इंद्रियों को प्रवृत्ति के लिए अनुज्ञा दे रहा है प्राण, इसलिए प्राण को बोल दिया ओम, इसलिए ओमकार में प्राणकृत दृष्टि से उपासना। देखिए भाई, अथ अनंतरम अध्यात्म उच्यते, यैव अयम मुख्य प्राण तम उद्गीतम उपासित इत्यादि पूर्व, इसका अर्थ तो पहले की तरह है। कथम प्राण उद्गीतयोर एकत्वम, प्राण और उद्गीत में एकत्व कैसे चिंतन करेंगे, है ना? देखो तथा ओम, ओम इति एष प्राण, क्योंकि प्राण तो ओमकारी है, कैसे कह दिया? बोले शरण, हाँ शरण इति, ऐसे देखो, हाँ इसका अर्थ शरण इति ओम इति अनुज्ञाम कुरुवन, तो ओम ऐसे अनुज्ञा करता हुआ सा प्राण जाता है, व्यवहार करता है, व्यवहार करता है, इसलिए कुरुवन इव, किसके लिए वो अनुज्ञा देता है अनुमति? बागादि प्रवृत्त्यर्थम एति इत्यर्थ, बागादि जो इंद्रियां है व्यापार विशेष उसकी प्रवृत्ति के लिए जैसे कि अनुज्ञा दे रहा है कौन? प्राण, क्योंकि प्राण के बिना तो इंद्रिय में प्रवृत्ति नहीं होगी ना, इसलिए कह दिया। अच्छा इसमें दे रखा है यथा प्राणिनाम प्रवृत्त्यर्थम, देखो नारायण जैसे पूर्व मंत्र में बता दिया, जैसे प्राणियों की प्रवृत्ति के लिए ओम इति अनुज्ञाम कुर्वानिव, ओम ऐसी अनुज्ञा करते हुए अनुमति देते हुआ से, देते हुए से आदित्य गच्छति, आदित्य भगवान सूर्योदय, भगवान आदित्य का उदय होता है, इति उक्तम, ऐसा पहले कहा था। तद्वद, इसी प्रकार से प्राण का होता है शरीर में, प्राण आदित्य की तरह है। अच्छा उक्तम एव व्यतिरेक द्वारा स्पर्यते, इसी बात को व्यतिरेक दृष्टांत से कह रहे, कैसे? नहीं मरण काले मुमूर्षो समीपस्थाः प्राणस्य ओमकरणम सुडवन्ति इति, कोई मरणावस्था में है वो क्या अनुमति देगा किसी को, है ना? वो किसी की भी जो है अनुमति नहीं दे सकता हो, मरण काले मुमूर्षो हो, मुमूर्षो मतलब मरने की इच्छा करने वाला, ऐसा नहीं जैसे पीपल टिश्यू बोलते हैं पढ़ने की इच्छा करने वाले को, नहीं? हाँ ज्ञान जगह में एक बार कोई पूछ रहा था नीचे हल में, हाँ जैसे मुमूर्षु कह दिया ना, जैसे शुश्रूषु होता है ना, शुश्रूषा, शुश्रूषा का अर्थ क्या? सेवा, सेवा करने की इच्छा अर्थ नहीं यहाँ पर। इसी प्रकार मुमूर्षु मतलब मरने की इच्छा करने वाला नहीं, जैसे पीपो टिश्यू होता है पढ़ने की इच्छा करने वाले पीपो टिश्यू बोलते हैं, चिकित्सो करने की इच्छुक को, नहीं? अरे मुमूर्षु मरने की इच्छा करना, मरना कौन चाहता है? मरना कोई नहीं चाहता, इसलिए मरणापन्ना, मुमूर्षु का अर्थ होता है मरणापन्ना, मरण अवस्था में रहने वाला, उसको कहते मुमूर्षु।
तो वो क्या अनुमति देगा किसी को, है ना? जीवित अवस्था में है ना वो अनुमति देता है, मरणापन्न अवस्था में नहीं देता कोई। प्राणस्य कर्ण सुडवंती ना सुडवंती, है ना? तात्पर्य ये है, इसमें दे रखा है, देखो टीका में देख लो। मुमूर्षु समीप वर्तिनो बंधव, जैसे मरणावस्था पन्न में कोई व्यक्ति है और उसके पास में सब बैठे हैं बंधु बांधव, पहले तो नहीं होते ना, पहले आते सेवा करना पड़ेगा, इसे मरणावस्था में सब आ जाते हैं, है ना? ऐसा होता है। और उसके पास जो है संपत्ति हो तो ज्यादा आएंगे नहीं, तो बंधव मरण काल में जो है प्राणस्य बागादि प्रवृत्त्यर्थम, हाँ, प्राण से बागादि की प्रवृत्ति होती हो, इसलिए प्रवृत्ति के लिए अनुज्ञाकरणम अनुमति हो, नैव जानन्ते, ऐसे नहीं जानते हो। तथा च जीवत अवस्थायाम, इसलिए देखो, इसलिए जीवत अवस्था में ही ओमिति तद अनुज्ञावशादेव, इसलिए ओम ऐसे इस प्रकार से अनुमति प्राप्त हो रही है किसको भी, बागादि इंद्रिय को, है ना? इसलिए बागादि नाम प्रवृत्ति आलक्षते, बागादियों में प्रवृत्ति होती है प्राण की अनुमति को प्राप्त करके, बस इतना ही प्राय से। प्राण ऐसा ओम उच्चारण करता हो ऐसा नहीं, जैसे आदित्य ऐसे ओम उच्चारण करके उदय होता हो ऐसा नहीं, अनुमति देता है प्रजाओं की प्रवृत्ति के लिए, ये लगता है कि अनुमति देता हुआ ओम ओम ऐसा करता हुआ है कि नहीं, ये वही प्राय है। इसी प्रकार प्राण भी ओम उच्चारण करता हो ऐसा नहीं यहाँ पर, है ना? अनुमति जैसे प्राप्त होती है बागादियों को, इसलिए कह दिया ओम प्राण को। तस्मात प्राणस्य अनुज्ञा मात्रम ओम करणम इत्यर्थ, ये देखो है ना, प्राण के दृष्टि जो है ओमकार में कर रहे हैं, प्राण को ओमकार कह रहे हैं, बस इतने मात्र में अभिप्राय है। प्राणस्य अनुज्ञा मात्रम, प्राण से केवल अनुज्ञा मिलती है बागादियों को प्रवृत्ति के लिए। तो तात्पर्य यह है प्राण आदित्योर अध्यात्म अधिदेवतयो, ये देखो नारायण, है ना? तो प्राण के दृष्टि ये अध्यात्म उपासना हो गई ओमकार में, और आदित्य के दृष्टि ये अधिदेवता हो गई, ठीक है ना? कहाँ पर उपासना करनी है? उद्गीता में, उद्गीतत्व अविशेषा, उद्गीत तो दोनों में है, उद्गीत ओमकार है, प्राणव आदित्य अपि, है ना? प्राणवत आदित्य अपि, जैसे आदित्य की दृष्टि हुई ना, इसी प्रकार प्राण की दृष्टि भी है। इसलिए ओमकार को क्या समझना चाहिए? अनुज्ञा मात्रम ओम करणम अवधेयम, केवल अनुज्ञा मात्र के अभिप्राय से ही ओम ऐसा कहा गया, ठीक है ना? यही है एतत् सामान्यात्, बस इतनी मात्र की समानता से आदित्येपि ओंकरण अनुज्ञा मात्रम द्रष्टव्यम, ये कहा। तो प्राण जैसे अनुज्ञा प्राप्त होती है बागादियों को, इसी का प्रजाओं को भी आदित्य से अनुज्ञा प्राप्त होती है, ऐसा समझना चाहिए। तो आगे देखो चतुर्थ मंत्र, प्राण दृष्टिया उक्ताम उद्गीत उपास्ति, ये देखो प्राण के दृष्टि से उद्गीत ओंकार में उपासना बतलाई, हाँ। अब कहते हैं निंदित्वा, निंदा भी कर रहे हैं आप, निंदा करके विवक्षितम उपास्ते, जो आगे जो विवक्षित उपासना बताएंगे, जैसे आदित्य और रश्मि में अभेद करके उपासना बताइए, फिर उसकी निंदा करके भेद दृष्टि से उपासना, यहां पर भी ऐसा बता रहे हैं।
एतमो एव अहम् अभ्यगासिषम् तस्मान् मम त्वम् एको असीति। ह कौशितकिः पुत्रम् उवाच प्राणास्तम् भुमानम् अभिगायता भवो वै मे भविष्यन्ति इति। वही जो प्राण है एतम एव अहम् अभ्यगासिषम्, उसका मैं उद्गान किया था, मतलब उपासना की थी ओमकार में प्राण के दृष्टि से उपासना। और वहां पर अभेद मान करके प्राण और प्राण से होने वाला व्यापार वृत्ति विशेष दोनों में अभेद मान करके प्राण के दृष्टि से ओमकार में उपासना मैंने किया, इसलिए क्या फल हुआ? तस्मान मम त्वम एको से, ये है अध्यात्म उपासना है ना, इसलिए तुम एक पुत्र के रूप से प्राप्त हुए, ये है ना, ये निंदा हुई। ये कौन उपदेश किया? पहले की तरह इतिह कौशितकी पुत्रम उवाच, कौशितकी ने पुत्र को उपदेश किया, इसलिए तुम मेरी तरह त्रुटि ना करो, इसलिए हे पुत्र प्राणास्तम भुमानम अभिगायता। बागादि जो है वृत्ति विशेष, बागादि से होने वाले वृत्ति विशेष और मुख्य प्राण, मुख्य प्राण और बागादि वृत्ति विशेष में भेद मान लो, भेद है, भेद भेद है, ऐसे भेद से विशिष्ट हो गया मुख्य प्राण, है ना, भेद से विशिष्ट मुख्य प्राण है, इसलिए बहुत्व से युक्त है भुमानम, तो उसकी उपासना करो। कहाँ पर? ओमकार में। ये अभ्यगायतात मतलब चिंतन करे, करो तुम चिंतन, पहले की तरह अर्थ करना, अभ्य अभ्यगायता मतलब जो है अभ्यगाय अभिगाय। इससे क्या होगा? बहवो वै में भविष्यन्ति, इस अभिप्राय से उपासना करो, मुझे बहुज पुत्र प्राप्त होंगे, इसलिए तुम इस भावना से उपासना करो, है ना। और हिंदी में जो दिया है श्लोक मंत्र के ऊपर वो दिया है ना, देखो, ऐसा कौशितकी ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र से कहा ऐसा लिखा है ना, उसके बाद क्या लिखा है? अतः तुझे बहुत से पुत्र होवे, इस आशा से तो भेद गुण विशिष्ट प्राणों का चिंतन कर, ऐसा नहीं करना, अतः मुझे बहुत से पुत्र होवे, हाँ मेरे हो तभी चलेगा, मेरे बहुत से पुत्र होवे ऐसा भी चलेगा, अतः मुझे बहुत से पुत्र होंगे ऐसा है, आए अतः उसके बाद, हाँ ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, जहाँ पर तुझे लिखा है वो अशुद्ध है, तुझे नहीं होना चाहिए ना, और तुझे मतलब फिर क्या वो पिता के लिए होगा फिर। पिता ना बोल रहे हैं पुत्र को, मुझे मतलब मेरे बहुत से पुत्र हो, है कि नहीं, ये फल में दृष्टि है ना उनके, है ना, ये तो सकाम उपासना ना है। हाँ जी ना, आपके पास कौन से पूछ जाएगा? अतः के बाद क्या लिखा है भाई? दूसरी पंक्ति में अतः मुझे करिए उसको, हाँ बस इतना है, बाकी सब सही है। हाँ प्राणों का चिंतन कर, ठीक है, हाँ सही है, मतलब पिताजी ये कहना चाहते हैं ना कि पुत्र तुम उपासना करो, लेकिन कौन से फल दृष्टि से? मुझे बहुत सारे पुत्र हो गए,
क्योंकि फल हो गया ना। तो कहां पर किसकी उपासना करोगे? प्राण की उपासना ओमकार में। अब प्राण क्या है? भेद से विशिष्ट है, क्योंकि प्राण जो व्यापार हो रहा है ना, तो व्यापार और व्यापार वाला क्या हो गया? प्राण। इसलिए व्यापार और व्यापार वाला में भेद है। जैसे वहां पर रश्मि और आदित्य में भेद है, इसी प्रकार यहां पर व्यापार और प्राण में भेद है। ऐसे में क्रिया और क्रिया वाला, यहां पर क्रिया क्रिया वाला, वृत्ति विशेष हो गया क्रिया, अक्रिया वाला हो गया प्राण। ऐसे में ना ऐसा ले लो। अच्छा भाई आगे बढ़ा जाए। भाष्य देखो, एतमो एव अहम अभ्यगाशिषम इत्यादि पूर्ववेद। ये तो पहले की तरह मैंने भेद अभेद दृष्टि से उद्गान किया था, मतलब चिंतन किया था। अतो बागादीन मुख्यम च प्राणम भेद गुण विशिष्टम उत्का। ये देखो बागादि से होने वाला वृत्ति विशेष है, और कौन है? मुख्य प्राण है। मुख्य प्राण और बागादियों में क्या करना चाहिए? भेद, भेद गुण विशिष्ट होगा। भेद गुण विशिष्ट तो प्राण है, भेद गुण विशिष्ट कौन? प्राण। उसकी उपासना उद्गित में करनी है, ओमकार में, ठीक है ना। उद्गितम पश्यन् भूमानम मनसा अभिगायता। भूमानम का अर्थ लिखते हैं देखो, बहुत तो उपेतम, कि प्राण जो है ना, प्राण में बहुत तो गुण है ना, बहुत तो गुण, इसलिए बहुत तो से युक्त है। ऐसे प्राण की दृष्टि से ओमकार में उपासना करनी है मन से, ठीक है ना। टीका देख लो। मध्यम पुरुषे तातंगादेशस्य वैकल्पिकत्वेऽपि प्रथम पुरुष संख्या दुरन्वयम् व्यावर्तयति पूर्ववत्। देखो नारायण, ये जो अभी गायतात का है ना, अभी उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है और गई धातु है, ठीक है नारायण। मध्यम पुरुष में भी अभिगायतात बन सकता है, कहाँ पर? मध्यम पुरुष में ही बन सकता है। जैसे है ना भूधातु, भूधातु, भूधातु में लोड लकार, लोड लकार होता है ना, तो लोड लकार में मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या बनता है? दो बनते हैं ना, एक बनता है भव और एक बनता है भवतात। हो गया कि नहीं हो गया? तातंग हो जाएगा ना, तू को क्या होता? तातंग। तो यश तातंगा शिष्य न तरस्यम, कि नहीं? तो वहां पर तो ही को होता है, है ना, ही को मध्यम पुरुष में, है ना। तो शरीय पिच्चा होता है ना, सी को ही हो गया, और ही को विकल्प से क्या होता है? तातंग होता है। तातंग का नंबर क्या बनता है? भवता, हो जाएगी नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर जो है अभिगायता, ये तो मध्यम पुरुष का है ही हो, ऐसी कोई जिज्ञासा करे, समझ में भाई? ये बोलते ठीक से समझो है। मध्यम पुरुषे, मध्यम पुरुष में तातंग आदेशस्य विकल्पत्वेऽपि, है ना। मध्यम पुरुष में तातंग आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा? अभिगायता बन जाएगा ना, क्या धातु? गई, गई धातु। फिर भी ये प्रथम पुरुष संख्या, लेकिन पहले प्रथम पुरुष कहा था ना पूर्व मंत्र में, तो यहां पर कोई प्रथम पुरुष ना समझे, कहां पर? अभिगायता है कि नहीं। इसलिए दुरान्वयम व्यावर्तयति, यहां पर ही प्रथम पुरुष की शंका कोई ना हो, सुनते भाई, क्योंकि दोनों में बनता है। प्रथम पुरुष में भी अभ्यगायता बनेगा और मध्यम पुरुष में भी बनता है। जैसे भू धातु होता है ना भाई, प्रथम पुरुष के एक वजन क्या बनता है? हाँ, भवतु भवतात बनता है कि नहीं? और मध्यम पुरुष में भी क्या बनता है? हाँ, वहां पर ही भवतात बनता है, भव भवतात, दोनों में रूप समान होता है कि नहीं? में इसी प्रकार यहाँ पर अभिगायतात ये प्रथम पुरुष में बन सकता है और कहाँ पर? मध्यम पुरुष में भी बन सकता है। लेकिन शंका इसी को लेकर बन रही है
कि पहले जो प्रथम पुरुष का चल था ना, यहां पर भी कोई क्या है, प्रथम पुरुष न समझे हो गया ना, इसलिए यहां पर भगवान भाष्यकार लिखते हैं पूर्ववत है ना आवर्तय इत्यर्थ। अभिगायत का अर्थ करते हैं आवर्तय, बोले क्या चिंतन तुम करो है ना, क्योंकि तम शब्द आया ना, तम के योग में मध्यम पुरुष ही होगा, इसलिए अभिगायत कहाँ का रूप है, मध्यम पुरुष का एक वचन ही है प्रथम पुरुष है कहाँ है, हाँ अभ्यगाशीषम नहीं, ये इसके ऊपर कह रहे, अभिगायतात के ऊपर कह रहे, अभिगायता जो भाष्य में आया ना अभिगायता, इसके ऊपर कह रहे हैं टीकाकार, अभिगाशीषम के ऊपर नहीं, ये मंत्र में था ना भूमानम अभिगायता उसके ऊपर कह रहे हैं, अभिगाशीषम नहीं, वो तो उत्तम पुरुष है उसके ऊपर विचार नहीं है। अच्छा भाई, बहवो वै मे मम पुत्र भविष्यन्ति इत्येवम् अभिप्रायः सन इत्यर्थ, ये अभिप्राय हो गया है ना, कि बहवो वै मम पुत्र, मेरे बहुत पुत्र होंगे, ये फल हो गया, इत्येवम् अभिप्रायः सन एवं अभिप्रायः यस्य सह एवं अभिप्राय, एक ही पद है सामासिक पद है, ऐसा अभिप्राय वाला हो करके तुम जो है उपासना करो, ये पिता कह रहे हैं पुत्र को, ठीक है। टीका देख लो, एकत्व दृष्टि निंदा द्वारा, एकत्व दृष्टि से उपासना की तो फल क्या होगा, एक ही पुत्र हुआ है कि नहीं, हाँ कहाँ पर एकत्व हुई, प्राण और वृत्ति विशेष में एक मानकर उपासना किया तो क्या हुआ, एक फल हुआ, एक पुत्र हुआ ना, इसलिए निंदा हो गई, इसलिए प्रधान उपासना जो मुख्य उपासना यहाँ पर भेद दृष्टि से मुख्य उपासना, इसलिए मुख्य उपासना करोगे तो फल भी मुख्य होगा, इसलिए सफलम उपसंगरति, फल के साथ फले न सह वर्तते सफलम, फल के साथ मुख्य जो उपासना है उसका यहाँ पर विधान करके उपसंहार करते हैं, उपसंगरति, कैसे उपसंहार हो रहा है भाष्य में देखो है, उपसंहार हो रहा है प्राण आदित्य एकत्व, प्राण आदित्य एकत्व उद्गीत दृष्टेर है, एक पुत्र फल दोषेण अपोदितत्वात् रश्मि प्राण भेद दृष्टे हे कर्तव्यता चोद्यते अस्मिन् कांडे बहुपुत्र फलत्वार्थम्, यही अभिप्राय हो गया, देख लीजिए, जैसे देखो प्राण के दृष्टि कहाँ पर किया, उद्गीत ओंकार में, ठीक है नारायण, और आदित्य की दृष्टि वो भी ओंकार में किया, ओके कि नहीं, और एक मान करके किसको, एक मान करके प्राण और व्यापार को, और उधर अधिदेव में आदित्य और रश्मि को एक मान करके, ठीक है भाई, हाँ तो इसलिए क्या हुआ, एक पुत्र रूपी फल हुआ, तो ये हो गया दोष, इसलिए एक पुत्रत्व फल दोष है ना अपोदितत्व, मतलब निंदा की गई, अपोदित बोलते हैं निंदित को, निंदा की गई, ऐसी उपासना की निंदा की गई, ठीक है नारायण, इसलिए जो है अब क्या करने चाहिए, मुख्य उपासना रश्मि प्राण भेद दृष्टे है ना, हा रश्मि है वहां पर, जैसे आदित्य और आदित्य के रश्मि में भेद है, यहाँ पर भी क्या है, प्राण और वृत्ति विशेष है, यहाँ पर भी भेद है, इसी दृष्टि से कर्तव्यता, ऐसे भेद दृष्टि उपासना है, ये कर्तव्य है, चोद्यते मतलब विधीयते, चोद्यते का अर्थ विधीयते, इसलिए विधान किया जाता है, यही कांड में पंचम कांड में।
पंचमक कंडिका में अस्मिन कांडे फल क्या होगा? बहुपुत्र फलत्वार्थम, बहुत पुत्र फल होगा, इसलिए उपासना का विधान हुआ। और यहाँ पर जो हिंदी में दिया है, कभी कभी हिंदी इसलिए देखता हूँ कि जो है बहुत अशुद्धियाँ है, इसलिए पढ़ने वाले को कम से कम भ्रांति में ना रहे, पढ़ने वाले भ्रांति में ना रहे, भ्रांति हो जाती है ना, संशय हो तो कोई बात नहीं, आप पूछ भी सकते हो, लेकिन भ्रांति हो जाएगी तो पूछोगे नहीं, हमको समझ में आ जाए ठीक है कि नारायण। इसलिए संशय तो साधन है, संशय क्या है, साधन है, लेकिन भ्रांति, भ्रांति क्या करोगे फिर, तो निश्चात्मक ज्ञान है ना वो। इसलिए यहाँ पर दिया है हिंदी में प्राण और आदित्य में, देखो ऐसे पैराग्राम में दिया है ना, प्राण और आदित्य में उद्गीत दृष्टि से, ये उद्गीत दृष्टि कहाँ पर करोगे? हिंदी में दिया है ना प्राण और आदित्य में उद्गीत दृष्टि से, तो उद्गीत की दृष्टि होगी प्राण आदित्य में, कि उद्गीता में प्राण और आदित्य की दृष्टि है, उद्गीता में उद्गीत ओमकार, नहीं तो लोग पूछते हैं ना बोले उद्गीत क्या चीज है, उद्गीत मतलब ओमकार, ठीक है, तो उद्गीत ओमकार में प्राण की दृष्टि और आदित्य की दृष्टि, लेकिन उल्टा लिख दिया हिंदी में, प्राण और आदित्य में उद्गीत दृष्टि से, है कि नहीं है? तो यहाँ पर ऐसा करो, उद्गीत में वो मैं को आगे आगे लिखना चाहिए, प्राण और आदित्य है ऐसा लिखना चाहिए, उद्गीत में प्राण और आदित्य की दृष्टि से ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना, हो गया, बाकी आगे सब सही है ना। चलो ये चतुर्थ मंत्र हो गया, और एक मंत्र है, अथ खलु य उद्गीत स प्रणवो, यः प्रणव स उद्गीत इति, होत्री सदनां देवापि दुर उद्गीतम अनुसमाहरति, अनुसमाहरति इति। हाँ देखो भाई मंत्र लेते हैं, अथ खलु कहते हैं कि देखो, यह उद्गीत स प्रणव, उद्गीत कहाँ पर है? सामवेद में, उद्गीत ओमकार हो गया सामवेद में, और ऋग्वेद में हो गया कौन? प्रणव ओमकार हो गया, है कि नहीं? हाँ ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में ओमकार को प्रणव शब्द से बोलते हैं, इसलिए क्या होगा, दोनों एक ही है, यह प्रणव स उद्गीत, जो प्रणव है वही उद्गीत, जो उद्गीत है वही प्रणव, मतलब दोनों का अर्थ एक ही है, ये अर्थ हो गया, उद्गीत और प्रणव का अर्थ कौन? ओमकार, ओमकार ही है, ऐसा समझना है। इति, इसलिए क्या होगा, होत्री सदनाद ह एव अपि, विच्छेद करो, होत्री सदनाद ह एव अपि, देखो तीनों अव्यय है, ह एव और क्या है अपि, तो कहते हैं होत्री सदन, तो होतुः सदनम इति होत्री सदनम, होता है होता, ऋग्वेद का जो ऋत्विज होता है, होता जहाँ पर बैठ करके वो स्तुति करेगा देवता की, उस स्थान को बोलते हैं होत्री सदन, ये सामान्य अर्थ हुआ, मुख्य अर्थ हो गया है ना, होतु सदनम होत्री सदनम, वाह, मतलब होता जो है, हैं जो है ऋग्वेद के जो ऋतु जो होता, वो जहाँ पर बैठ करके देवताओं की स्तुति करेगा, है कि नहीं,
उस स्थान को क्या बोलते हैं, होत्री सदन। फिर उतने मात्रा से क्या होगा, उसके भी लक्षणा कर लो, है कि नहीं। तो उस होता से होने वाला जो कर्म को लीजिए, समझ में कि नहीं, होता से होने वाला कर्म को यहां पर कर दिया होत्री सदना लक्षणा करके। कौन सी लक्षणा करो, अजत लक्षणा कर दो, अजहत लक्षणा, ठीक है। मतलब होता के द्वारा होने वाला कर्म से, होत्र कर्म से, तो क्या होगा, बोलते हैं दूर उद्गीतम अनुसमाहरति। जो दोषयुक्त उद्गान किया था, जो उद्गान किया था ना, सामगान किया था, सामगान किया था तो उसमें कुछ दोष आ गया, त्रुटि हो गई, अशुद्ध भूषण कर दिया, है कि नहीं। उस त्रुटि को संशोधन करता है ऐसे कर्म से, ठीक है ना रण। इसलिए दुर्गीतम, दुर उद्गीतम है अनुसमाहरति, मतलब संशोधन करता है ना। कैसे करेगा, सम्यक प्रयुक्त ओमकार से ऐसा करते हैं। दो बार कर दिया ये कंडिका की समाप्ति के लिए। हिंदी में क्या दिया है, होत्री साधना, होता के संसना कर्म करने योग्य स्थान से उद्गाता होत्र कर्म में किए हुए दोषयुक्त उद्गान का है, बहुत अशुद्ध लिखा है, हाँ इसको कल संशोधन करेंगे, है ना, जो त्रुटि है उसको संशोधन करना होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।